अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने मोबाइल के कैमरे के रिजल्ट को DSLR कैमरे के रिजल्ट की तरह किस तरह से कर सकते हैं, वो भी कैप से। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ये बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, प्ले स्टोर को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपने एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है जिसका नाम है मैनुअल कैमरा लाइट प्रोफेशनल कैमरा DSLR। आपने ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद आप जैसे इसको ओपन करते हैं तो फिर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। जी मैंने फ्रंट कैमरा ओपन किया, इसके इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे। आपको यहाँ ऑप्शन नजर आ रहा होगा 8.0 मेगापिक्सल, इसके ऊपर आपने क्लिक कर। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करते जाएंगे तो आप अपने जैसे कि यहाँ से मैं अपना फोटो कैप्चर करना चाहता हूँ 8.0 मेगापिक्सल से, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देना। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करता जाऊंगा तो ये मेरा फोटो क्लिक हो जाएगी। आप देख सकते हैं कैमरे का रिजल्ट कितना अच्छा, मैंने क्लिक किया तो कितना अच्छा रिजल्ट हो गया। नीचे आपको ऑप्शन और भी मिल जाएंगे, अगर आप कलर इफेक्ट भी चेंज करना चाहते हो पॉजिटिव, यहाँ से और भी आपको नीचे बहुत से इफेक्ट मिल जाएंगे जिनसे आप और भी अपनी अच्छी सी पिक्चर कैप्चर कर सकते हैं। अगर आप HDR के ऊपर क्लिक कर दें, HDR के ऊपर क्लिक करके आप नाइट मूड में पिक्चर लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। वो और भी आपको यहाँ बहुत से इफ़ेक्ट मिल जाते हैं। अगर आप AW के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ से आपको डे लाइट के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका रिजल्ट और भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अगर आप सी के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ से आपको फोकस मोड ऑन कर सकते हैं जिससे आप अपनी पिक्चर को फोकस भी कर सकते हैं। नीचे आपको जूमिंग का ऑप्शन नज़र आ जाएगी जिससे आप जूम भी कर सकते हैं। नीचे आपको ऑप्शन एक नज़र आ जाएगा सेटिंग का। सेटिंग के ऑप्शन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते जाएंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। नीचे आप जैसे ही करेंगे तो यहाँ से आपको ऑप्शन नज़र आ जाएगा इमेज क्वालिटी, इसके ऊपर आप करके अपनी इमेज क्वालिटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 100% इमेज क्वालिटी रखी हुई है। यहाँ से आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा इमेज फॉर्मेट, इसके ऊपर क्लिक करके भी आप सेटिंग कर सकते हैं। जैसे जैसे आप यहाँ से नीचे करते जाएंगे तो और भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा जैसे कि वीडियो ब्राइटनेस। यहाँ से मैंने 100 Mbps के ऊपर ये वीडियो रखी हुई है। यहाँ से वीडियो फ्रेम रेट ये मैंने 120 के ऊपर रखी हुई है। आप यहाँ से और भी चेंजिंग कर सकते हैं। और नीचे आपको जैसे जैसे करते जाएं कि तो आपको बहुत से ऑप्शन मिल जाएंगे जैसे कि शटर साउंड, भैया आपके जब भी पिक्चर पिक्चर हो तो आपको आवाज़ आए, फेस डिटेक्शन, इसको भी आप ऑन कर सकते हैं। और भी नीचे आप जैसे करते जाएंगे तो आपको बहुत से ऐसे ऑप्शन नज़र आ जाएंगे जिनसे आप अपने कैमरे से अपने फोटो को अच्छी तरीके से कैप्चर कर सकते हैं, वो भी DSLR की तरह से रिजल्ट आ जाएगा सेव से आपको। और भी नीचे आपको बहुत से ऑप्शन यहाँ पे सेटिंग में आपको बहुत से ऑप्शन मिल जाते हैं जिनको आप इस्तेमाल करके अपने फोटो को और भी अच्छे तरीके से कैप्चर कर सकते हैं। ऐप को यूज़ करके अपने मोबाइल के कैमरे के रिजल्ट को DSLR के रिजल्ट की तरह कर सकते हैं।